Morning students, I am Ramjas Yadav. Once again, just before you, in previous video we have studied general features of sexual reproduction students. Now we will see in this video sexual reproduction in plants. The students, आज हम इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे प्लांट्स में. देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का वो क्या होता है? फ्लावर ना. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का उसको क्या बोलते हैं? फ्लावर. फ्लावर इज सेड टू बी देखिए यूनिसेक्सुअल. एक फूल को आप यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं जब वेन इफ आइदर देखिए इसमें क्या है. यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर किसको बोलेंगे? जब उसमें या तो मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट. जब कोई फ्लावर में क्या होता है केवल नर भाग होता है या मेल भाग मेल पार्ट उसको बोलते हैं या फीमेल मादा भाग होता है तो उस तरह के फूल को क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जो है इसका एग्जाम्पल्स आर पपाया वाटरमेलन एक्सेट्रा. मीन्स वेन अ फ्लावर बियर आइदर मेल आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. द फ्लावर इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड द प्लांट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल प्लांट. आप देखते हैं ना कि पपाया भी नर प्लांट होता है. नर मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव मेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसमें फल नहीं लगते है ना. ओके आप देखिए बाइसेक्सुअल क्या है? बाइसेक्सुअल इफ व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर present on same flower. जब मेल और फीमेल पार्ट जो है एक ही फूल पर होते हैं तो उस तरह के फ्लावर क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट और उस तरह के पौधे क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट. एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट देख लीजिए. एग्जाम्पल है चाइना रोज एंड या वही चाइना रोज मस्टर्ड. जो मस्टर्ड है चाइना रोज का नाम क्या है?
हिबिस्कस ना, तो ये सब क्या है, द्विलिंगी मींस बाईसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट है ना, मींस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन सेम एक ही कुंड होते हैं ना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो देखिए प्लांट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, तो प्लांट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेनिफिट जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देख लीजिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट। स्टूडेंट जो प्लांट प्रोड्यूस ए सेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, तो देखिए ये सेक्सुअल बाई ए सेक्सुअल मोड, इन ए सेक्सुअल मोड में क्या होता है, ए सेक्सुअल मोड जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में क्या है, इट इज इजियर एंड इट इज इजियर एंड फास्टर इट इज इजियर एंड फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो नया जीव होता है नया प्लांट होता है वो जेनेटिकली क्या होता है, पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, जैसे पेरेंट में जो होते हैं वही आइडेंटिकल होते हैं ना, जेनेटिकली मिसाल मानसिक रूप से ना, ये सब क्या होते हैं मोर प्रोन टू डिजीजे, मोर प्रोन टू डिजीजे, मोर प्रोन टू डिजीजे मीन्स क्या होता है कि जो ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स उनमें रोग लगने की संभावना ज्यादा होती है ना, रोग लगने की संभावना ज्यादा होती है, मोर प्रोन टू डिजीजे। नेक्स्ट है नो वेरिएशंस अक्सर, कोई इसमें विभिन्नता नहीं होती है ना, वो पैरेंट की तरह होते हैं ना, या इट इज फाउंड इन लोअर आर्म, ठीक है। तो ये सब अब देखिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट्स में, तो यह क्या है, इट इज
इट इज लोअर इन प्लांट के केस की बात हो रही है ना, इन प्लांट्स ठीक है, मोड ऑफ इट इज लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन वेरिएशंस ऑफ बड़ी विभिन्नताएं पाई जाती है ना, ये आइडेंटिकल नहीं होते, पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, लेस प्रोन टू डिजीज, इसमें रोग कम लगते हैं, इसमें क्या एबिलिटी बढ़ जाती है रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया जनरल फीचर्स हो गया। अब वी विल सी फ्लावर स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको नोट कर लीजिए।